सी एस टू थर्टी सी एस फिफ्टी का कोर्स है इसी तरह सी एस टू थर्टी एक कोर्स है अगर आप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं बट इट्स समथिंग रिलेटेड टू डीप लर्निंग एंड इस वन ऑफ द फेमस कोर्सेज इन डीप लर्निंग अगर आपको नहीं पता तो सी एस टू थर्टी लिखिएगा यूट्यूब पर पूरा का पूरा इसका मॉड्यूल पड़ा हुआ है और मतलब हैवी किस्म का पढ़ाया गया है और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके बारे में पूरी डिटेल है जो ये आर्टिकल मैं आपको सेंड भी करने वाला हूँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लिखा हुआ है और अगर आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन रियली इन नाइस वे और हम इंशाल्लाह इसको देखने भी वाले हैं और हम इसको पढ़ने वाले हैं पहले आप पढ़ेंगे मेरे साथ फिर हम इकट्ठे पढ़ेंगे फिर आप अकेले भी पढ़ेंगे सो वी आर गोइंग टू डू दैट मतलब हम इकट्ठे अब पढ़ते हैं इसको फिर मैं आपको सेंड करता हूँ जो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में कर दिया देन वी विल सी ये न्यूरल नेटवर्क की रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की चीट शीट है यानी कि जो इसमें चीजें लिखी है ना इसके आगे फिर सिर्फ खामोशी है ये सारा कुछ यहाँ पे तकरीबन दिया हुआ है ठीक है लेकिन एक बात याद रखें ये बहुत कम्पलेक्स लिखा हुआ है ये आप कह लें कि जो साइंटिस्ट है उनके लिए लिखा हुआ है बेसिकली लेकिन अगर आप समझना चाहें इट्स फाइन मैंने आपको तीन चार चीजें दिखानी है कि किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क जो है यहाँ पे हमारे पास आ, काम करता है खासतौर पर आर पे एन का आर्किटेक्चर इसकी कुछ इस तरीके से होती है यानी कि एक इनपुट आई है ठीक है वो कभी ऊपर को जा रही है कभी नीचे को जा रही है कभी राइट साइड पे जा रही है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है वन डायरेक्शन में मूव नहीं करती ठीक है इनपुट से आ, आगे आते आते फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डायरेक्शन में होता है टाइम प्रोसेसिंग तो और स्पीच रिकन में तो यूज होते है लेकिन इसकी जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपने कौन सी चीज कहां पे यूज करनी है अगर आप ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क देखें तो उसमें जो इसकी टाइप यूज होती है आर की दैट इज वन टू वन ठीक है यानी कि एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वन टू वन यानी कि एक से चलता है और एक से ट्रांसफर हो के फाइनल एंड पे जाता है और अगर आप गौर करें हर एक इनपुट के साथ एक्टिवेशन फंक्शन भी आ रहा है और हिडन स्टेट भी साथ में जा रही है अगर आप गौर करें ये वन टू वन है यहां से ऊपर जा रही है इंफॉर्मेशन और यहां से उसकी हिडन स्टेट भी मूव कर रही है अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि हिडन स्टेट यानी कि मेमोरी इनपुट के साथ ट्रांसफर होती है अगले न्यूरॉन की तरफ तो ये न्यूरॉन्स हैं बेसिकली वन टू वन क्या ट्रेडिशनल लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से होती हुई डिफरेंट आउटपुट्स के अंदर जा रही है वाई हमारे पास काफी है एक्स हमारे पास सिर्फ एक है फ्लो इंफॉर्मेशन इज लाइक दैट में से गई इंफॉर्मेशन फिर आगे कईयों में कई न्यूरॉन्स में घुस के फिर आगे गई ठीक है इन्फॉर्मेशन सो so इसका मतलब ये है कि इनपुट वही है हमारी लेकिन वी आर क्लासिफाइंग दैट दैट क्लासिफिकेशन कई जगहों हम उसको यूज कर रहे हैं एंड वी विल डू सेल्फ इसका नाम है वन टू यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट करके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कई जगहों पे फैला देना ठीक है पहला था एक डायरेक्शन में रहने वाला दूसरा है एक से कई जगहों पर फैला देना ये म्यूजिक जनरेशन के लिए यूज होता है मैं इसकी मिसाल दूं आपको अगर आपको शायद पता हो अक्सर कीबोर्ड वाले होते हैं ना जो स्टेज पे बैठे म्यूजिशियंस होते हैं वो एक की प्रेस करते हैं कभी उसी की का साउंड पियानो का आ रहा होता है कभी उसी की का साउंड ड्रम सेट का आ रहा होता है कभी उसी की का साउंड आपको किसी वायलिन का आ रहा होता है, है तो वो एक इनपुट है आउटपुट मल्टीपल्स है रीजन क्या है वो डिजिटली उसको ट्रांसक्राइब कर रहा है डिफरेंट चीजों में तो म्यूजिक जनरेशन के अंदर यही चीज यूज होती है अगर आपको नहीं पता तो सिंपली इसका ये कह लें कि आपकी एक इनपुट आगे से डिफरेंट किस्म की आउटपुट आ रही है ठीक है इसकी मिसाल एक और दे देता हूं स्पेस बार आपका स्पेस बार का बटन है वीडियो चलती हुई को पॉज भी कर देता है प्ले भी करता है डॉक्यूमेंट ओपन किया है तो वही स्पेस बार का बटन सेम इनपुट से क्या काम कर रहे, है? आपको space bar रहे हैं आपको स्पेस बार दे रहा है ठीक है अगर आप थके हुए हो तो उस पर जोर से हाथ मारे तो आवाज भी बड़ी अच्छी आती है उटपुट फ्रॉम द सेम इनपुट तो अगर आप उसको इसमरे में तो uh, चीजें करके एक इनपुट यानी के कितना ज्यादा टेक्स लेके कहते हैं ये बंदा नेगेटिव है जिसको हम सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन बोलते हैं एक बंदे के पचास ट्वीट निकाले पचास ट्वीट के बाद हम कह रहे हैं कि नहीं ये नेगेटिव स्टेटमेंट दी है ये पॉजिटिव दी है तो वो क्या है मैनी टू वन पूरी चीजों को एक सेंटिमेंट के अंदर हमने फाइनलाइज कर दिया फिर मैनी टू मैनी क्या है अब इसके अंदर हम इंटिटी रिकग्निशन करते हैं कि स्टार्ट में कौन सी चीज आ रही है और उसका नाम क्या रखा गया सो वो मेनू टू मैनी की एग्जाम्पल है फिर एक और हमारे पास मेनी टू मेनी इज नॉट इक्वल टू आती है मेनी टू मेनी इज इक्वल टू फिर एक मेनी टू मैनी इज नॉट इक्वल टू में ये होता है क्या मिनट टू मिनिट तो कर रहे हैं लेकिन वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो डायरेक्शनली चेंज हो रहा है कि एक इनपुट से आप ऊपर गए हैं लेकिन वो फिर दूसरे इनपुट साथ में कंबाइन होके आगे ट्रांसफर हो ठीक है तो इस तरीके से ये काम चलता है बाय द वे ये मशीन ट्रांसलेशन वगैरह में यूज होती है तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसको हम वन बाय वन देखेंगे भी और करके भी देखेंगे सिंपल न्यूरल नेटवर्क से आगे हम ट्रांसफर करते जाएंगे इन चीजों को तो हमें समझ आ जाएगी इसका मतलब ये है कि अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहें इस पर एक प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह मैं आपको करवाने वाला हूँ सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है तो वो उसके ऊपर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आर एन एन की कौन सी टाइप यूज होगी मेन्यू टू वन वाली ठीक है और अगर हम म्यूजिक जनरेशन वो जारी बात है हम नहीं करने वाले बट स्टिल इस तरह की कोई और एग्जाम्पल मेरे पास आई तो वो मैं आपको शो करवा दूंगा जो इसके अंदर हम यूज करेंगे देन हमारे पास तीन किस्म के बेसिक इसमें एक्टिवेशन फंक्शन कॉमनली यूज होते हैं सिग्मोइड टेन एच एंड रेलू एक्टिवेशन फंक्शन नहीं चेंज होने जो मैंने आपको पढ़ाए हैं इनशाला वही होंगे एक आपको असाइनमेंट दी थी जो अल्लाह के हुक्म से किसी ने नहीं, नहीं भेजी तो वो भी उसके अंदर हम यूज करेंगे एक एक्टिवेशन फंक्शन की uh, मैंने टोंट मारने सो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है फिर इसमें गेट्स और ये सारी इक्वेशन लिखी हुई है बाई डायरेक्शनल क्या होता है डीप न्यूरल नेटवर्क डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से होता है बाई डायरेक्शनल होता है दो डायरेक्शन के लिए और फिर आगे सो so ऑन चलता रहता है तो ये मैंने आपको लिंक भेजा है इसको बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं आपको ये टाइप्स दिखाने के लिए आ, मैंने ये सारा आपके सामने जो काम है वो किया लिंक शुड वर्क लिंक नहीं रुक सकता अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं जी ओके okay. एक छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे परफॉर्म लेट्स अगर वो होती है हमारे पास जो है वो डेटा सेट हम देखते हैं कि कौन सा हमने लेना है आई एम डेटा सेट लेंगे मैं सीधा कोड कॉपी करके आपको एक दफ़ा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मॉडल जो है हमारा चलता है फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं इसके अंदर हमारे पास एम्बेडिंग लेयर होती है और सिंपल आर एन एन की लेयर होती है एंड देन वी कैन कन्वर्ट इन टू द डेंस लेयर एज वेल लेट्स डायरेक्ट पेस्ट कर दूं कोड आप लोगों को भी मैं सेंड कर देता हूं तो फिर हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन ठीक है। पहले तो इसको चला के देख लेते हैं हमारे पास अक्सर को एरर भी दे देते हैं ना यस इट्स वर्किंग फाइन तो यहां पे जो तरीका आ रहा है बेसिकली न्यूरॉन्स को बनाने का वो डिफरेंट होगा टेंसर फ्लो एस टी एफ वही हमने कर ली और इसके अंदर से हमने लेयर्स मॉडल्स एंड डेटा साइट्स इकट्ठे निकाल लिए कैरास से ठीक है इसको हम लो कोड के मूड में बोलते हैं और एक और मैं आपको टर्म बता दूं प्रॉम्प्ट के लिए अगर आप चैट जीपीटी से कोड निकाल रहे हैं तो साथ में ये लिखा करें गिव मी अ कोड इन लो कोड मूड लो कोड मूड आप ऐसे लिखेंगे तो कोड मिनिमाइज्ड फॉर्म में आपके पास आएगा यानी कि फजूल जगह नहीं घेरी होंगे जिसको हम कोड पोल्यूशन बोलते हैं ठीक है जैसे टू बिलियन प्लस लाइन ऑफ कोड्स है गूगल की अगर सही तरीके से लिखा हो तो शायद कम हो वो लाइन ठीक है तो जैसे ये एक ही लाइन में मैंने लिख दी है ना कैरास से डेटा सेट लेस एंड मॉडल्स इंपोर्ट करो आप अगर सेपरेट लिखेंगे ना फ्रॉम कैरास फ्रॉम टेंसल फोर डॉट कैरास इम्पोर्ट डेटा सेट अगले में डेटा uh, फिर लेयर्स लिखेंगे अगली लाइन में फिर मॉडल लिखेंगे तो वो डिफरेंट कोड हो जाएगा तीन चार लाइनों में चला गया लो कोड क्या करता है सारे कोड को कंबाइन करके छोटा कोड दे देता है इसको अगर आप अपने कोड को लिख के भी चैट जीपीटी को दें या किसी और एल्गोरिथम को दें कि इसको लो कोड मोड में कर दो तो वो भी कंप्रेस करके एक अच्छा कोड आपको बना के दे देगा सो दैट्स अ गुड थिंग वेन एवर यू आर पब्लिशिंग योर नोटबुक्स ठीक है डेटा सेट जो हम यूज कर रहे हैं आई एम डी बी का यूज कर रहे हैं आई एम डी बी क्या चीज है वैसे आई एम डी बी का हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं मूवी डेटा बेस है बेसिकली ठीक है आई का क्या मतलब है एम का क्या मतलब है डी का क्या मतलब है और बी का क्या मतलब है आई से मुराद इंटरनेट है इंटरनेशनल नहीं है इंटरनेट मूवी डेटाबेस ठीक है इसमें क्या होता है मूवी डेटाबेस जब हमारे पास कोई भी है इसका मतलब ये है कि उस मूवी डेटाबेस में डिफरेंट किस्म की सिक्वेंशियल हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है किस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है वो अब हम देखते हैं उससे पहले यहाँ पे हमने डेटा सेट को डाउनलोड किया सेम उसी तरीके से जैसे हम इमेज का डेटा ले रहे थे ठीक है और हमने नम नम अंडरस्कोर वर्ड्स जो वो कर है वो टेन थाउजेंड के करीब कर लिए ठीक है मतलब उसकी लिमिट लगा दी कि इतनी रेंज में जो डेटा हमारे पास है वो ही आए ठीक है प्री प्रोसेस किया हमने डेटा को क्या होता है प्री प्रोसेस करना एन एल पी के अंदर ये बड़ी डिटेल में हम देखने वाले हैं इस चीज को आप यही समझें कि आप अपने डेटा को ट्रेन करने के लिए तैयार कर रहे हैं और उसको पैडिंग सीक्वेंस के अंदर सेव कर रहे हैं आई विल लेट यू नो कि एनएलपी का डेटा कैसे किया जाता है बड़ी टर्म्स के साथ हम देखेंगे क्योंकि एनएलपी आर एन एन के साथ ही होनी है तो इस वजह से हम इसको बड़ी डिटेल में देखेंगे बट फॉर नाउ ये इसको आप स्किप कर दें सिर्फ ये प्रीप्रोसेस किया है मतलब डेटा को हमने यूजेबल फॉर्म में लेके आए अच्छा डिफाइन द मॉडल हमने पिछली दफा जो मॉडल्स बनाए थे वो कुछ इस तरीके से हमने बनाए थे अगर आप गौर करें कि हम मॉडल को यहां पे प्रोडिक्शन से पहले यहां इस तरीके से मॉडल बना रहे थे मॉडल इज इक्वल टू केरा इनपुट एंड एंड सो सो ऑन फोर्थ एक और तरीका होता है मॉडल बनाने का कि आप मॉडल डॉट सिक्वेंशल कर लें मॉडल को ठीक है फिर इस सीक्वेंशियल मॉडल में एड करते जाए को मॉडल डॉट एड फिर लेयर्स उसके अंदर एड कर दें इम्बेडिंग की करनी इम्बेडिंग की सिंपल आर एन एन की करनी वो डेंस की करनी वो अदरवाइज यू कैन एड कॉन्वल्यूशन टू डी ले मैक्सपोलिंग टू डी लेयर फ्लैटन लेयर जैसे यहाँ पे की गई है तो डॉट एड फिर उसके बाद लेयर्स के बाद जो भी लेयर आपने ऐड करनी वो आप कर सकते हैं सो दिस इज अनदर वे टू मेक योर मॉडल डिफाइन द मॉडल पहले आप सिक्वेंस डिफाइन कर दें कि सिक्वेंशल है फिर आप ऐड करें लेयर को फिर आप ऐड करें अपना जो दूसरी लेयर है एंड देन यू विल ऐड द लास्ट लेयर एंड सो ऑन फिर आप आगे चलेंगे ठीक है अच्छा ये जो एग्जाम्पल है ना ये बेसिकली आपको कम कोड के अंदर चीजें बता रहा है ठीक है मतलब वही चीज जो है कम कोड के अंदर आपके पास आ रही है अगर आप देखें और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में अच्छा लो कोड का मतलब यही नहीं है कि कम कोड हो जाए वो तो हम कंप्रेस करके किसी और जुबान में भी लिख दें तो कम हो जाएगा लो कोड का मतलब है अंडरस्टैंडेबल स्मॉल फॉर्म ऑफ कोड मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ कोड बेसिकली ठीक है इस पे पूरा एक प्रोजेक्ट भी है क्यूरी का यूके की गवर्नमेंट का अगर आप गौर करें उस उसपे तो वो देखिएगा लो कोड के नाम से है।

टेंस लेयर एक बना दिया सिग्मोइड की सिग्मोइड है तो इसका मतलब क्या है कि हमने या हाँ में जवाब देना है या ना में देना है ऐसे ही है नेगेटिव या पॉजिटिव ये तो बात समझ है ना आपको ये सिक्वेंशियल लेयर की भी समझ आ गई है इनपुट की भी आ गई है बाकी ये इम्बेडिंग और सिंपल आर क्या है इसको हम जरूर देखने वाले हैं अपने कल वाले लेक्चर में और अभी भी आपने इन चीजों को देखना है खुद से भी ठीक है बाय द वे इसमें एम्बेडिंग के साथ साथ सिंपल न्यूरो नेटवर्क या सिंपल की यूज हो सकती है इसके अलावा और भी यूज हो सो यू हैव टू फॉलो दैट वन बट फॉर नाउ हमारा मॉडल यहाँ पेट हो जाता है डिफाइन द मॉडल कोई फर्क नहीं है सिंपल में हमने क्या किया था सिंपल लेयर्स यूज की थी सी एन एन के अंदर ये लेयर्स ले और आर एन एन के अंदर एम्बेडिंग और आर एन एन की होंगी तो हर लेयर की टाइप बदली है हिडन में इनपुट आउटपुट सेम वैसा ही है ठीक है कंपाइल कैसे करना मॉडल को सेम वही इसमें ऑप्टिमाइजर बदल जाएगा क्योंकि डेटा बदल गया है फिर लॉस जो है तकरीबन सेम आ सकता है आपके पास बेस्ड ऑन योर बाइनरी या या आपकी मल्टी क्लास आउटपुट आपके पास जो डिफरेंट किस्म की आएगी मैट्रिक क्या है एक्यूरेसी भी आप ले सकते हैं और डिफरेंट अदर मॉडल्स भी लिख सकते हैं एंड देन हम कंपाइल करने के बाद इसको हिस्ट्री चेक करते हैं और उसके बाद उसको वैल्यूएट करके हम लगाते भी है यहाँ पे तो टेन ईपॉक्स में मैंने दस हजार को देखा और अभी तक मेरे ख्याल से ये मेरे पास अभी तक क्यों रन कर रहा है समय से बाहर है पहला ई पॉक कहीं या फेल टू गेट वीपी फ्रीक्वेंसी या मैं इसे बंद करूं मैं ना कहूं मेरा मैकबुक में से हवाएं क्यों निकल रही स्टॉप हेयर बाय द वे इससे पहले कि हमें स्टॉप करना पड़े सब कुछ तो अब आप लोगों का काम है छोटा सा वो ये है कि एक नोटबुक मैं आपको भेज रहा हूँ टेंसर फ्लो की आपने उसको गो थ्रू करना है और अच्छे तरीके से समझना है ठीक है फिर हम उसको कल को इकट्ठे बैठ के यहाँ पे देखेंगे और एनएलपी को फिर शुरू से हम चेक करेंगे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का आईएमडी का ही डेटा है सारा ठीक है आप सेंटिमेंट एनालिसिस पे इसके ऊपर काम करेंगे तो हम इसको यूटिलाइज करेंगे और इसको देखेंगे और मुझे ये भी बताइएगा कि मी सी यस आईएमडीबी का ये आपने प्लीज इसके नोट्स भी बनाने हैं साथ साथ ठीक है मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं ये आपके सामने मैंने अभी आपको सेंड की है ये वाली चीज दिस इज बेसिक text क्लासिफिकेशन ठीक है और इस text क्लासिफिकेशन को आपने चेक करना है ये IMDB का डेटा ही है बड़ा सिंपल सा इसमें न्यूरल नेटवर्क यूज हुआ है आप इसको चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हर चीज़ की इसको दोबारा से हम कल को भी परफॉर्म करके देखेंगे नए तरीके के साथ और कुछ इसमें फंक्शन होते हैं जो एन के अंदर बहुत यूटिलाइज किए जाते हैं आपको ना समझ आए तो उसको की टर्म के तौर पर अपने पास साइड नोट्स में लिखते जाइएगा हाशिए के साइडों पर लिखते जाइएगा ये तरीका तरीकाकार होता है लर्निंग का बाकी आपकी मर्जी है अगर मेरे पे छोड़नी है सब कुछ तो मैंने तो पढ़ाना ही है कल को लेकिन अगर आप साथ में तैयारी करके आएंगे सो इट वुड बी ईजीअर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एन एल पी एन एल पी इज नॉट अ स्मॉल थिंग इट्स अ बिग ह्यूज थिंग और इसको समझने के लिए हमें काफी चीजें देखनी पड़ती हैं अभी मैंने सिर्फ आपको की टर्म्स बताई हैं बेसिक न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर बताई है कुछ टाइप्स बताई हैं आर एन एन की जब हम इसको परफॉर्म करेंगे ना एक न्यूरल नेटवर्क पूरा बना के तो और ओरिजिनल डेटा पे कल को जो मैंने अभी आपको लिस्ट शीट uh, भेजी है और उस पर डिस्कशन करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड एज अ होल के किस तरीके से सिक्वेंस होती है डेटा क्या होता है हमारे पास टेक्स्ट का और टेक्स्ट कैसे परफॉर्म की जाती है तो कल को हम इसको टेक्सट क्लासिफिकेशन के डेटा को करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू मेक अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट फिर हम टाइम सीरीज के डेटा पे चलेंगे और हम दोनों चीज़ों के अंदर आर एन एन की सिर्फ डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनको यूटिलाइज करेंगे आज के लिए इतना ही